लगाने से पहले जो हम लोग परसेंटेज से लगाते हुए आए हैं उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है उसको जरा समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कि 50 का 20% निकालना है, 50 का 20% निकालना है और फिर 50 का ही 30% निकालना है। एक बार 50 का 30% निकालना है, एक बार 50 का 30% निकाल करके और दोनों को जोड़ देना है। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखे हुए हैं, इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर इसको आपको बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाएंगे? पहले 50 का 30% निकालेंगे, 50 का 30% निकालेंगे यानी 50 गुना 30 बटे 100। उसके बाद 50 गुना का मतलब गुना होता है 20% हटता है तो 100 से डिवाइड किया जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 5 तिहाई 15। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 5 दूना 10। अभी ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया? 10। यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा? तो 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 25। यानी आपका आंसर कितना आया? 25 आया। अब इसमें समझने लायक क्या है फ्रेंड? अभी समझने लायक जो है वो मैंने नहीं समझाया, अभी अब समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे भी 50 का ही परसेंटेज वैल्यू निकालना है और यहाँ पे भी 50 का ही परसेंटेज वैल्यू निकालना है। जब इक्वल नंबर का परसेंटेज निकालना होता है तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 50 का एक बार 30% निकालना था, एक बार 20% निकालना था, तो 30 और 20 मिलके कितना हो गया? तो 30 और 20 मिलकर के कितना हो गया फ्रेंड? 50 हो गया। ये दोनों को जब ऐड किए तो कितना हो जाएगा? तो 30 और 20 50। तो 50 का डायरेक्ट 30 और 20 50% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यानी 50 गुना 50 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 बचे कितना आ गया? 25 आ गया। कहने का ये मतलब है कि अगर एक ही नंबर का परसेंटेज अगर अलग अलग बार निकालना है तो हम अलग अलग बार ना निकाल करके उसके परसेंटेज को ही ऐड करके और एक ही बार में आंसर ला सकते हैं, एक ही बार में आंसर ला सकते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है जो कि लागू होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है वो 2 बार लग रहा है और दोनों बार समान राशि में लग रहा है, तो हम अलग अलग क्यों निकालें? हम एक ही बार निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं कि इस चीज को हम लोग, अगर इसको वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें कैसे यूज करते हैं, और पहले वाला कॉन्सेप्ट कि अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत मान हमें पता हो तो उसके प्रतिशत मान को उसी के नीचे लिखते हैं और जो प्रतिशत मान हमें ज्ञात करना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 760 दिया गया है, 760 दिया गया है यानी 760 कितना परसेंट है पहले हमें ये देखना होगा। तो ये देखने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये 760 है क्या। तो पता चला ये ब्याज है। किस तरह का ब्याज है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में भी क्या इसमें है कि इसमें 2 ब्याज मिला हुआ है, कुल ब्याज है यानी दोनों राशि पर ब्याज, जो टोटल राशि पे ब्याज मिला है वो ये है। तो टोटल राशि पे कितना परसेंट मिला है हमें ये देखना होगा। तो 9% मिल रहा है, है ना, 9% एक में से मिल रहा है और 10% दूसरे में से मिल रहा है यानी 19% टोटल इसको साल में मिल रहा है, टोटल 19% मिल रहा है। लेकिन ध्यान में रखना है 19% ये डायरेक्ट 19% इसीलिए लगा दिए क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज पे की दर से तथा उसी के बराबर राशि, यानी आपका राशि समान हो तभी ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है, अगर राशि अलग अलग होता तब ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे 19% साल में इसको टोटल लग रहा है, तो टोटल 2 साल के लिए लगाया यानी कितना परसेंट लग रहा है? 38% लग रहा है यानी इसको जो ब्याज के रूप में मिला होगा वो टोटल कितना परसेंट मिला होगा? 38% मिला होगा। और रुपया में कितना मिला? 760 रुपया मिला। परसेंटेज में 38%, रुपया में 760 रुपया। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि 760 का परसेंटेज वैल्यू कितना है? तो 38% है। और निकालना कितना परसेंट है? मूलधन निकालना है, एक मूलधन निकालना है इसलिए 100%। अगर टोटल वैल्यू निकालना होता तो 200% निकालना है तो 200 से गुना करते, यहां 100 ही परसेंट का वैल्यू निकालना है इसलिए 100 से ही गुना किए। बस इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर देखिए 38 से अगर करते हैं, 8 दूना 16, 38 दूना 76 हो गया यानी कि
2000 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि पहले ही आ चुका था। तो फ्रेंड कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, बस इसमें एक एक्स्ट्रा लॉजिक हम लोग सीख लिए कि अगर समान नंबर का अलग अलग परसेंटेज निकालना है तो अलग अलग निकाल के ऐड ना करके हम एक ही बार में मिक्स करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये नया वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आगे भी काम आने वाला है। तो आइए हम लोग इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या है वो अगला। फ्रेंड तो आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, हल्का सा इस क्वेश्चन में मैंने चेंज किया है, आस्किंग जो पार्ट है वो चेंज किया है। यहाँ पे बोला गया राहुल कुछ धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 5% वार्षिक दर पे 4 वर्षों के लिए उधार दी, जिससे उसे कुल ₹960 ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो निकालना है, जो फाइंड करना है, जो आस्किंग है वो अलग है। उधार दी गई कुल राशि कितनी है, वहाँ प्रत्येक राशि पूछा जा रहा था, यानी एक प्रिंसिपल पूछा जा रहा था, यहाँ पे टोटल वैल्यू पूछा जा रहा है, टोटल प्रिंसिपल। दैट मीन्स 100% नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे 100% और 100% मिला के टोटल कितना परसेंट पूछा जा रहा है, 200% पूछा जा रहा है। तो आपको 200 से गुना करना है जहाँ पे आपने 100 से गुना किया था, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं, मैं बनाने जा रहा हूँ, हमसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना लें। यहाँ पे चूंकि राशि समान है, इसका मतलब ये दोनों परसेंटेज जुड़ सकता है, यानी साल में कितना मिल रहा है, तो 7 और 5 कितना हो गया, तो 7 और 5 12% साथ में मिल रहा है, साल में मिल रहा है। और टोटल कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी 12% 4 साल तक अगर लगेगा तो 12 चौके 48, यानी कि टोटल कितना मिल रहा है, तो 48% मिल रहा है, टोटल 48% उसको ब्याज मिल रहा है। और रुपया के रूप में देखा गया तो टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, 960 रुपया। तो 960 रुपया किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। निकालना है इस बार 200%, यानी 48 दूना कितना हो गया, 96, यानी 2 दूना 4000 आपका आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा बस इतना कि यहाँ पे 100% नहीं निकालना है, यहाँ पे 200% निकालना है, इसलिए 200 से हमने मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन SSC CGL Tier 1 और Tier 2 दोनों में रिपीट हो चुका है। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक राशि किसी साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपया अधिक मिलता, तो मूल राशि कितनी थी। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राशि है, उसको कुछ दर पे, वो दर पता नहीं है, कुछ दर पे उधार दिया गया 2 साल के लिए, कितना ब्याज मिला ये भी पता नहीं है, फिर सिर्फ इतना पता है कि अगर ब्याज दर पहले वाले ब्याज दर से 3% अधिक होता, 3% अधिक होता, तो ब्याज पहले जितना मिला था उससे 300 रुपया अधिक मिलता। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन में दिया गया है और इसके आधार पे आपको मूलधन निकालना है। देखा जाए तो इंफॉर्मेशन बहुत कम है और निकालना प्रिंसिपल है। कैसे निकालेंगे इसमें प्रिंसिपल को, तो इसके लिए आपको अगर लॉन्ग मेथड से देखें, फार्मूला पे जाएं, तो फार्मूला के थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर किसी संख्या का प्रतिशत वैल्यू पता है तो उसके प्रतिशत वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं और जो प्रतिशत वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये भी कॉन्सेप्ट है आपके पास तब तो आपसे अच्छा सॉल्यूशन कोई दे ही नहीं सकता है। आइए देखते हैं दोनों मेथड को और देखते हैं कि दोनों में कितना का फर्क हो जाता है जब बेसिक मेथड से बनाते हैं तो, और बाय ट्रिक वो डेफिनेशन के थ्रू बनाते हैं। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे एक राशि उधार दिया गया, वो राशि कितना है आपको पता नहीं है, तो पी रुपया मान लेते हैं कि यानी मूलधन दिया गया, यानी पी मान लेते हैं, पी ही रुपया मान लेते हैं पी को। उसके बाद किस दर पे दिया गया ये भी पता नहीं है, लेकिन 2 साल के लिए दिया गया ये पता है। आरटी जब डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है ना, तो ये तो पहले केस का ब्याज मिला होगा, इतना ब्याज मिला होगा। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि पैसा वही है, यानी अगर उसी पैसे को, सिर्फ ये कह रहा है और 2 साल के लिए ही, 2 साल के लिए ही, 2 साल के लिए ही दिया जाता, लेकिन इस बार दर कितना होता, तो पहले वाले दर से 3% अधिक होता, तो नया दर ये हो गया,
तो नया दर निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो नया दर मिल जाएगा। तो ये वाला जो ब्याज दर है वो कितना ज्यादा है, तो इससे 300 रुपया, यानी ये जो बढ़ गया जिसके वजह से कितना, अब ये पूरा का वैल्यू कितना बढ़ गया, तो 300 रुपया अधिक हो गया, यानी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 300 हो जाएगा। आपको ये सॉल्व करना होगा। अब ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 और p को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p, और 2p से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2pr प्लस फिर 2p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6p, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 माइनस यहाँ 2pr, 2pr डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 300। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा, तो LCM तो आपका 100 ही है, तो जब LCM अगर समान है, दोनों में सेम है, तो ऊपर जो है वही लिख देते हैं, यानी 2PR प्लस 6P, यहाँ माइनस है, माइनस 2PR इक्वल टू कितना हो गया, तो 300 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2PR प्लस में है और 2PR माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, घट के जीरो हो जाएगा। जब दो समान नंबर घटता है, जब दो इक्वल नंबर को माइनस किया जाता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, यानी ये दोनों खत्म हो गया, बचा 6p, यानी 6p का वैल्यू कितना हो गया, तो 300। ये 100 को उधर ही भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 100, 6 से काट देते हैं तो 6 × 5 = 30, यानी 50, तो p का वैल्यू कितना आ गया, तो 500। और p किसको माने थे, तो मूलधन को माने थे, यानी वही मूलधन राशि जो निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा है, यानी आपका आंसर कितना होगा फ्रेंड, तो 5000 रुपया आपका आंसर होगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा बना, इतना लंबा समय नहीं आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में बनाने के लिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ही जो कि आपको सॉल्यूशन तक ले जाएगा, रिजल्ट तक ले जाएगा, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है, इतना समय नहीं है फ्रेंड आपके पास, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना ही होगा। तो आइए वही डेफिनेशन लगाते हैं, हम हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, कि पता नहीं यहां पे कौन सा ट्रिक लगाया जाए, पता नहीं वहां पे कौन सा ट्रिक लगाया जाए, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से, परसेंटेज से हम लोग देखते आ रहे हैं, परसेंटेज में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, डिस्काउंट में देखें, और अब साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे हैं। तो इसमें भी वही लॉजिक अपनाएंगे फ्रेंड, कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमें पता है तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमें मूलधन निकालना है यानी 100% का वैल्यू निकालना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ एक नंबर दिया गया है 300, इसके परसेंटेज को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है। इसका परसेंटेज वैल्यू जो होगा वो उसी के नीचे लिखा जाएगा। मैं बार बार ये डेफिनेशन इसलिए दोहराता हूं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए, बैठा हुआ है तब भी ऐसा बैठ जाए कि कभी आप लोग ना भूलें। तो आइए उस ट्रिक को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से बनने वाला है। आइए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अगर ब्याज दर 3% अधिक कर दिया जाता है, यानी अब जो ब्याज लगेगा उसी प्रिंसिपल का ना, 3% जो 3% अधिक लगेगा वो वही मूलधन राशि का ना लगेगा, उसी 100% का ना लगेगा, कोई अलग से तो नहीं लगेगा, मतलब जो राशि है उसी पे 3% एक्स्ट्रा लगेगा साल में, टोटल 2 साल के लिए। तो 2 साल में टोटल कितना एक्स्ट्रा परसेंट लगेगा, तो टोटल 2 × 3 = 6% अब एक्स्ट्रा इसको ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा फ्रेंड, तो 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। इस 6% एक्स्ट्रा मिलने की वजह से क्या हुआ कि 300 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। 300 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा, 300 रुपया अधिक ब्याज क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्याज दर अब टोटल 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये 300 का ही परसेंटेज वैल्यू कितना है, 6% है, और निकालना कितना परसेंट है, 100% है, 6 × 5 = 30, आंसर कितना हो गया 5000। इससे भी छोटा सॉल्यूशन चाहिए आपको क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होता है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 6% बराबर है 300 के, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 300/6, और आपको निकालना है 100%, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 300/6 × 100। देखिए वही आ गया ना, 300/6 × 100, तो उसी को रिजल्ट के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, कि किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी 50, यानी 5000 आंसर हो जाएगा। यानी सिर्फ इतने में ही ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ज़्यादा लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आइए फ्रेंड इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग दर से रिलेटेड क्वेश्चन यानी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम निकालना कैसे, शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था आपको बिना फॉर्मूला के, वो तो हम बता चुके थे। दर निकालना मैंने नहीं बताया था आपको, यानी रेट निकालना नहीं बताया था। रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है कि रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन भी दिया गया है, टाइम यानी समय भी दिया गया है, और साधारण ब्याज भी दिया गया है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तब कैसे बनाया जाए। फॉर्मूला अभी याद शायद हो सकता है एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भूल जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो तरीका आप यूज कर सकते हैं। पहला कि आपको पता है ना कि हर साल साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज लगता है वो बराबर लगता है। तो यहाँ पे 10 साल की ब्याज की बात करें तो 10 वर्ष में टोटल ब्याज कितना लग रहा है, 280 रुपया लग रहा है। और तो एक साल में कितना लगा, तो एक साल में 280 बटे 10 लगेगा। ये इतना करना जरूरी नहीं था, डायरेक्ट अगर 10 बराबर भाग में बांटना है तो डायरेक्ट हम 280 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। यानी एक साल में कितना लगेगा, तो 28 रुपया लगेगा। आपको क्या निकालना है, सालाना दर निकालना है कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, वर्ष में कितना दर लगेगा। तो वर्ष में कितना ब्याज लगेगा ये पता चल गया कि एक वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में 28 रुपया ब्याज लगेगा। अब इसी 28 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए क्योंकि वार्षिक दर आपको चाहिए, यानी इसी 28 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो जो परसेंटेज वैल्यू चाहिए होता है उसको किसके अनुसार निकालते हैं, जिसके अनुसार ये ब्याज मिला था। ये 28 रुपया किस पे ब्याज मिला है, तो मूलधन पे यानी कि 400 पे। तो इसका परसेंटेज वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 से 20 कट गया, 4 से 4 सते 28, यानी कितना परसेंट, 7% इसका वार्षिक साधारण ब्याज दर है। यानी दर बराबर आपको पता चल गया। या तो आप इसको दो भाग में बांट, इसको 10 बराबर भाग में बांट करके आप निकाल ले, या एक और तरीका है निकालने का कि क्यों ना 280 का ही परसेंटेज वैल्यू पता कर लिया जाए कि ये जो 280 रुपया ब्याज लगा है वो किस पे लगा होगा। तो 280 रुपया ब्याज भी 400 पे ही लगा होगा, यानी 400 पे ही लगा होगा, तो इसी का परसेंटेज वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो 20 से 20 कट गया, 4 से 4 सते 28, यानी टोटल कितना परसेंट लगा, तो टोटल 70% लगा। तो ये जो टोटल 70% लगा ये कितने साल में लगा, तो 280 रुपया कितने साल का ब्याज था, तो 10 साल का ब्याज था। यानी 70% कितने साल में लगा, तो 70% 10 साल में लगा है। तो 10 साल में अगर 70% लगा है तो एक साल में कितना परसेंट लगेगा, एक साल में लगेगा 70/10, यानी 20 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 7%। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों मेथड सेम है। बस इसमें हमने क्या किया, अमाउंट को 10 भाग में बांट दिए और 10 बराबर भाग में बांट दिए, इसमें परसेंटेज को 10 बराबर भाग में बांटे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर दर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन दर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन घुमाया जाता है। तो आइए हम लोग अभी दर पे ही क्वेश्चन करते हैं, यानी कि रेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कितनी राशि पर दो वर्ष की 8% दर पर साधारण ब्याज R रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे हालांकि दर नहीं पूछा गया है, लेकिन दर आपको पता भी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू दर का तो पता नहीं है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो क्वेश्चन देख के ही घबराहट लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कैसे बनाएं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आप बनाना शुरू करेंगे अपने आप बन जाएगा। बेसिक फॉर्मूला से भी बनाना शुरू करेंगे तो बहुत छोटे से में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दर का न्यूमेरिकल वैल्यू ही पता नहीं है, तो रियल परसेंटेज आपको पता ही नहीं चलेगा कि टोटल 2 साल में कितना परसेंट लगेगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल भी आपको पता नहीं है, अब प्रिंसिपल भी पता नहीं है। हालांकि आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड देखेंगे हम लोग, बेसिक मेथड भी और वो डेफिनेशन वाला मेथड भी। फिलहाल यहाँ पे बोला गया कि आपको दर निकालना है, दर का वैल्यू आपको पता है, दर का ब्याज का वैल्यू आपको पता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है मूलधन। मूलधन पता नहीं है तो मूलधन को आप पी मान लीजिए, मूलधन को आप पी मान लें, या फिर यहाँ पे अगर मूलधन निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्यों ना डायरेक्ट पी का वैल्यू निकाल लिया जाए। पी बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाई समय यानी 2 गुना दर, यानी कि दर कितना है आपका, आर है। जहाँ पे साधारण ब्याज आपको पता चल गया है कि साधारण कितना है, तो साधारण ब्याज R रुपया है, गुना 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से पचास बार में यानी कि ₹50 आंसर होगा। लेकिन अगर आप उसी फॉर्मूला से लगाना चाहते हैं, डेफिनेशन के फॉर्मूला से, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल कितना रुपया मिला है, तो ₹8 मिला है। तो ₹8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो परसेंटेज टोटल कितना परसेंट मिला है, तो ₹8 अगर साल में मिल रहा है तो दो साल में कितना परसेंट मिलेगा, तो ₹2 मिलेगा। यानी ये आर किसके बराबर है, तो ₹2 के बराबर है। और कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है, चूंकि प्रिंसिपल निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, दो से 50 बार में यानी ₹50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, एसएससी का क्वेश्चन था ये फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और क्वेश्चन का लेवल भी आपको अच्छा लगा हो। और भी अच्छा अच्छा लेवल हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन साधारण ब्याज में, लेकिन अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।